हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ क्या कुछ बोले थे एसवाईएल को लेकर, वो भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बयान दिया गया है ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से। फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है, ये कहना है धनखड़ का। और सब भंडार भरे पड़े हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए, और अब तो पानी का कोई कमी नहीं है। कितनी बर्फ़ पड़ी है और सब भंडार भरे पड़े, पानी का कहीं कोई अभाव नहीं है। पानी के अभाव का इस तरह का लॉजिक जो है वो उचित नहीं है, और इस लॉजिक का कोई महत्व भी नहीं है। सारी बातें सारे तर्क सुन के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है, अब तो एक ही बात बची है कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। हरियाणा का पानी का बजट 40 लाख एकड़ फुट प्रतिवर्ष घाटे का है, और हम ये डार्क जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमको जो एसवाईएल का 19 लाख एकड़ फुट पानी मिलना है वो जरूर मिले और तुरंत मिले, ये महती आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, अब किसी टैक्टिस से मुझे लगता है कि उसको रोका जा सकेगा ये संभव नहीं है। तो हरियाणा बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी साफ कर दिया गया है। अब पंजाब का कोई पैंतरा नहीं चलेगा, लेकिन पंजाब के तो सभी सियासी दल साथ खड़े नजर आए हैं सॉइल के मुद्दे को लेकर, कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी है कि नहीं हरियाणा को देने के लिए। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी समझेंगे कि कब तक सियासत जो है होती रहेगी। फिलहाल हमारे संपादकीय सलाहकार धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धनखड़ जी, पहला सवाल आपसे यही, कब तक राजनीति जो है वो कानून को देती रखेगी? सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि पंजाब को हरियाणा के हक का पानी देना होगा और पंजाब अपने हिस्से की नहर का निर्माण भी करवाए, लेकिन पंजाब के सभी राजनीतिक दल एक बार फिर से साथ खड़े नजर आए, एक बार फिर से वही राग अलापा गया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी है कि नहीं। ज्योति, देखिए, पंजाब की मंशा जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट है, इस मामले में शुरू से ही वो स्पष्ट है कि पानी नहीं देना है और किसी भी सूरत में हरियाणा को पानी नहीं देना है। तो इसी को लेकर के जो है पंजाब के जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है या जब भी दबाव बनता दिखता है तो पंजाब हमेशा इसी तरह के प्रस्ताव पारित करता है, और पंजाब हमेशा कोई न कोई नई अड़चन जो है इस एसवाईएल के निर्माण में रोड़ा अटकाने के लिए खड़ी करता रहता है। तो यहाँ अगर हम बात करें पुरानी भी, कि जब से इस मामले में ट्रिब्यूनल गठित हुए, जितने भी ट्रिब्यूनल गठित हुए, हर ट्रिब्यूनल ने हरियाणा के हिस्से का पानी कम किया है, तो लगातार ये पंजाब की कोशिश रही है और उनको सफलता भी मिलती रही है। तो वो ये मान के चलते हैं कि उन्होंने पानी हरियाणा को नहीं देना है। तो लगातार जो है 1980 में भी पंजाब सरकार को बर्खास्त किया गया था, 81 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने इंदिरा गांधी की मौजूदगी में 1981 में एसवाईएल के निर्माण का समझौता किया। बिल्कुल। 1982 में इंदिरा गांधी ने जो है वो कपूरी गांव में टक लगा करके नहर का निर्माण की शुरुआत की, और 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ जिसके तहत पंजाब के दरियाओं के पानी को बंटवारे के लिए नहर के निर्माण पर सहमति जताई गई। 1988 में आतंकवाद के दौर में एसवाईएल नहर के निर्माण में लगे इंजीनियरों समेत 30 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 1990 में 3 जुलाई को एसवाईएल के निर्माण के से जुड़े 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई और एसवाईएल का काम जो है। चलिए आएंगे आपके पास तारीख दर तारीख, इस मुद्दे को समझेंगे सिलसिलेवार ढंग से। फिलहाल राजीव रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू जी। आपने इस मामले को देखा भी है और लिखा भी है अपनी किताब के जरिए, क्या आपको लगता है कि राजनीति मसले का हल निकलने देगी पानी को लेकर? मैं बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस पे जो बहुत ही गंदी राजनीति हो रही है एसवाईएल पे, और उस वजह से इसका समाधान नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम इससे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके इसका एक समाधान निकालेंगे। दुर्भाग्य से जिस तरीके से, जिस एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से इस पर बातचीत होनी चाहिए, उस तरह से बातचीत हो नहीं रही है, और ये इतना एक सेंसिटिव इशू है जिस, मेरा स्पष्ट मानना है कि बातचीत के बगैर इसका समाधान नहीं निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि हम बातचीत करके इसका समाधान निकालेंगे, तो सवाल उत्पन्न यह होता है कि इस पे कितनी बातचीत हुई,
कितने राउंड्स की बातचीत हुई, कितने मतलब टॉप लेवल पे इस मसले पर बातचीत हुई, कोई बातचीत उस तरह से नहीं हो रही है ज्योति जी। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस इश्यू का समाधान ढूंढने में ना पंजाब का कोई इंटरेस्ट है, ना केंद्र सरकार की कोई इच्छा है, ना हरियाणा की इच्छा है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिक्स है और ये बड़ा गेनफुल पॉलिटिक्स इसके सहारे आप कर सकते हैं, आप अपनी पॉलिटिकल बिशाप को जिंदा रख सकते हैं। देखिए राजीव जी, आपको माफी के साथ रोकते हुए, सबसे बड़ा सच तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है बार बार कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले, लेकिन जो पंजाब का तर्क है कि फिर से ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, पानी को मापा जाए, फिलहाल जो स्थिति है वो नहीं है जो कि इस समझौते के वक्त थी, यानी कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं, क्या इस तर्क में कोई दम लगता है आपको? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए ये पानी का जितना मामला है ज्योति जी, आपने देखा होगा चाहे वो कर्नाटक तमिलनाडु का मामला हो और किसी और जगह का हो, अभी ओडिशा को लेकर के भी पानी का डिस्प्यूट चल रहा है, ये बड़ा इमोशनल इश्यू होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसका समाधान निकालिए। देखिए टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही कह रहा है, पंजाब को पानी देनी चाहिए, लेकिन लेकिन ये टेक्निकल इश्यू क्या है ज्योति जी, ये जो जमीन का जो मामला है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट के अंदर आता है। अब आप नहर किनाल कैसे खोदेंगे पंजाब में जाकर के अगर स्टेट आपको परमिशन नहीं देगा? इसके इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर में ही इन लोगों को बातचीत करके इसका समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ज्योति जी, इनमें से किसी का इंटरेस्ट नहीं है और ये बिल्कुल राजू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो लगती नहीं, चूंकि दो राज्यों के बीच का ये मामला के अपने आप में। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धनखड़ जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए धर्मपाल धनखड़ जी, हरियाणा बीजेपी कुछ बोलती है, पंजाब बीजेपी का अलग पक्ष है, हरियाणा कांग्रेस का अलग पक्ष है और जो पंजाब की कांग्रेस है उसका अपना अलग स्टैंड है। ये राजनीति कहीं ना कहीं अपने आप में वो एक बड़ा कहने की जरिया बन गई है कि चुनाव होते हैं, सरकारें भी बन जाती हैं इस मुद्दे को लेकर, लेकिन पानी को लेकर जो समझौता हुआ था वो अभी तक लागू नहीं हो पाया। ज्योति, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि कोई भी, जैसे राजीव रंजन जी भी कह रहे थे कि न हरियाणा सरकार चाहती है, न पंजाब सरकार चाहती है, न केंद्र इस मामले को निपटाना चाहता है। असल बात तो वही आकर के रुक जाती है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति इस मामले में नहीं है और केंद्र किसी भी तरीके से, केंद्र में जो भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित NDA की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की UPA की सरकार हो, वो कोई नहीं चाहता कि पंजाब के वोटर को नाराज किया जाए। और इसी कारण जो है आप देखेंगे कि पंजाब कांग्रेस का पंजाब में स्टैंड कुछ और है SYL को लेकर के, और हरियाणा में कुछ और है। यही भारतीय जनता पार्टी का है कि पंजाब में स्टैंड कुछ और लेती है और हरियाणा में अलग लेती है। तो ये दिक्कत जो है वो निश्चित रूप से SYL को जो है भावनात्मक रूप से भुनाने की कोशिश हर दल करता है और हर चुनाव में भुनाया जाता है। हर दल ये कोशिश, हर पार्टी ये दावा करती है कि हम पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी लेकर के आएंगे, और पंजाब में वही पार्टियां जो है ये दावा करते हैं कि हम अपने प्रदेश की, पंजाब की एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। तो ये लगातार एक ऐसा स्टैंड है जिस पर दोनों तरफ के राजनीति जारी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि SYL से वोट तो आए हैं लेकिन पानी नहीं आया, और साथ ही सरकारें बनी हैं लेकिन नहर नहीं बन पाई। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो दोनों ही राज्यों में अलग अलग तरह की सहूलियत के हिसाब से सियासत इस पर होती रही। पंजाब की बात करेंगे, वहां दल अपने हिसाब से राजनीति करते रखे, यहाँ अलग अलग पार्टियां, इसमें आप NDA सरकार की बात करेंगे, UPA सरकार की बात करेंगे, सबके अपने अपनी भूमिका रखी। पंजाब में समझौता रद्द किए जाने की बात हो कैप्टन सरकार के दौरान, या फिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सरकार 2016 की आप बात करेंगे, जमीनें जो अधिग्रहित की गई थी किसानों को वो वापस देने की बात हो, कुल मिलाकर राजनीति हुई है। लेकिन फिलहाल एक और बड़ा मोड़ मामले में इसलिए आ गया है क्योंकि पंजाब के सभी राजनीतिक दल एक बार फिर से साथ खड़े हैं और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी हरियाणा को देने के लिए नकीक है। अब कैसे केंद्र की कोई प्रतिक्रिया आती है दिल्ली से या फिर नकीक, और क्या कुछ हरियाणा के नेता इस पर बोलते हैं, वो भी देखना अपने आप में जरूरी होगा इस मामले पर।